हाँ जी सत श्री अकाल जी, वेलकम बैक। सीपीसी का आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ सूट्स। ट्रांसफर ऑफ सूट्स की हम बात करें तो एक बात तो माइंड में क्लियर है कि हम लोग खुश नहीं है कोर्ट से जहां पे सूट चल रहा है ना। हमें लग रहा है कि शायद वहां पे बायस है, जहां हमें लग रहा है कि वहां पे जस्टिस नहीं मिल सकती हमें, जहां दोनों पार्टी को इनकन्वीनियंस है, जहां विटनेस की प्रॉब्लम है, जहां एविडेंस कहीं और और हम लोग कहीं और सूट फाइल करें, तो वहां पे जो पार्टीज है वो जनरली एप्लीकेशन मूव कर देती है कि यहाँ पे इस केस को जो सूट को बेसिकली ट्रांसफर किया जाए दूसरी साइड। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात एक ये है कि जहां पे सेक्शन 22 जो बेसिकली सेक्शन है वो जनरल है। 22 सेक्शन कहता है कि पावर टू ट्रांसफर सूट्स विच मे बी इंस्टीट्यूटेड इन मोर देन वन कोर्ट्स, इन मोर देन वन कोर्ट्स। आपका जो सूट है उस सूट को आप एक कोर्ट में भी फाइल कर सकते हो और बी कोर्ट में फाइल कर सकते हो या सी कोर्ट में फाइल कर सकते हो, लेकिन आपने सूट फाइल कर दिया ए कोर्ट में, राइट? उसके बाद जो डिफेंडेंट है उसने एप्लीकेशन, वो डिफेंडेंट एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं उस कोर्ट को कि इस केस को बेसिकली ट्रांसफर किया है दूसरी कोर्ट में। अगर वो जस्टिफाइड कर दें, सेक्शन 22 कह रहा है अगर वो जस्टिफाइड कर दे तो वो जो केस है वो बेसिकली ट्रांसफर हो जाएगा दूसरी कोर्ट में। अब प्रॉब्लम यह है कि एप्लीकेशन किस कोर्ट को डालनी है, किस कोर्ट को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, वो सेक्शन 23 में दिया हुआ है। सेक्शन 22 इज अ जनरल सेक्शन, एज पर सेक्शन 22 वेयर अ सूट में बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी वन ऑफ टू और मोर कोर्ट्स एंड इज इंस्टीट्यूटेड इन वन ऑफ सच कोर्ट। आपने ए कोर्ट में सूट फाइल किया जबकि आप ए बी और सी तीनों कोर्ट में से किसी भी कोर्ट में आप सूट फाइल कर सकते थे, लेकिन आपने एक में सूट फाइल किया। सो एनी डिफेंडेंट आफ्टर द नोटिस ऑफ द अदर पार्टीज, एक डिफेंडेंट जिसके अगेंस्ट आपने सूट फाइल किया है वो दूसरी पार्टीज को नोटिस देगा कि मैं इस केस को जो है ट्रांसफर करवाना चाहता हूं, तो उसके बाद वो एप्लीकेशन जो है वो मूव कर देगा कोर्ट में। कोर्ट दोनों पार्टियों को सुनेगी, दोनों को हर्ड करेगी, दूसरी पार्टी को भी अपॉर्चुनिटी देगी, आप भी आओ, क्योंकि प्लेंटिव को अपॉर्चुनिटी तो देनी पड़ेगी। डेफिनेटली प्लेंटिव ने यहां पर अगर एक कोर्ट में सूट फाइल किया है तो डिफेंडेंट चाहता है कि उसको बी कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए, तो प्लेंटिव को तो बुलाना पड़ेगा ना, तो जो प्लेंटिव है उसको तो बेसिकली सुनना पड़ेगा, उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, आप बोलो ये तो ट्रांसफर करवाना चाहता है। तो वहां पे दोनों पार्टी को सुनने के बाद अगर कोर्ट इस नतीजे में पहुंचेगी इस केस को वाक्य में ही कोर्ट बेसिकली दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करना जरूरी है, तो वो कोर्ट ऑर्डर कर देगी सेक्शन 22 नॉर्मल सेक्शन। सेक्शन 23 क्या कह रहा है, टू व्हाट कोर्ट एप्लीकेशन लाइज, किस कोर्ट में एप्लीकेशन आप लगाओगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो यहां पे सिंपल सी बात है, एग्जांपल से हम लोग इजीली समझ लेते हैं। यहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है जी। यहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो कोर्ट्स हैं, सपोज ए कोर्ट है, बी कोर्ट है, ठीक है, ए कोर्ट है और बी कोर्ट है। आप चाहते हो कि इस कोर्ट से इस कोर्ट में ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि ये जज है बेसिकली ये बायस है, ठीक है जी। वो जो है बेसिकली ऑन मेरिट बेसिस पे डिसाइड ही नहीं करेगा, जब वो किसी एक पार्टी को जानता है तो डेफिनेटली वहां पे वो इजिली ऑन मेरिट बेसिस पे डिसाइड नहीं कर सकता। तो यहां पे एप्लीकेशन जो है अगर दोनों कोर्ट्स एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबॉर्डिनेट है तो आप एप्लीकेशन कहां पे लगाओगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जो सेशन जज है उसके पास एप्लीकेशन लगाओगे, उनसे रिक्वेस्ट करोगे अंडर सेक्शन बेसिकली यहां पे हम लोग बोल करें सेशन 22 में कि वहां पे आप रिक्वेस्ट करोगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके सेशन जज के साथ कि इस केस को ट्रांसफर किया जाए। तो अगर दोनों कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबॉर्डिनेट है तो एप्लीकेशन कहां पे जाएगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल कह रहा है दो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, आपने बठिंडा से मानसा ट्रांसफर करवाना है, मानसा भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, बठिंडा भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, दोनों अगर सबॉर्डिनेट हुए हाई कोर्ट एक के, मतलब हम लोग दोनों को जो है बठिंडा कोर्ट और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो दोनों पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट है, तो आप एप्लीकेशन कहां पे डालोगे, हाई कोर्ट में। इंपॉर्टेंट है कहां पे डालोगे, हाई कोर्ट में। थर्ड एग्जांपल जो है वहां पे मेंशन कर दिया डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिफरेंट डिफरेंट हाई कोर्ट के अंदर वो सबॉर्डिनेट है। सपोज
बठिंडा की ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट है, ठीक है जी। और यहाँ पे जोधपुर है वो राजस्थान हाई कोर्ट के अंडर है, तो दोनों की हाई कोर्ट डिफरेंस हो गई। अब यहाँ पे पंगा बढ़ गया कि आप किसकी हाई कोर्ट पे एप्लीकेशन मूव करें। लॉ कहता है कि आपने सूट कहाँ पे इंस्टीट्यूट किया, अगर सूट आपने बठिंडा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किया तो जहां पे सूट फाइल किया है उसी हाई कोर्ट को आप मूव करोगे। तो यहाँ पे अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये जो बठिंडा की है, अगर सूट यहाँ पे फाइल हुआ और पार्टी चाहती है कि इसको बेसिकली जोधपुर जो है या जैसलमेर राजस्थान में वहां पे ट्रांसफर किया जाए, तो लॉ कहता है कि जिस जहां पर ट्रांसफर करना है उसकी हाई कोर्ट ही हम लोग देखेंगे, जहां पे एक्चुअल में सूट फाइल हुआ उसकी हाई कोर्ट चेक करेंगे। अगर यहाँ पे बठिंडा है तो बठिंडा की हाई कोर्ट कौन सी हुई, पंजाब हाई कोर्ट। अब यहाँ पे आप मूव करोगे, अगर ये जस्टिफाइड हो गया, इस हाई कोर्ट ने जस्टिफाइड कर दिया, तो ये दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते। तो दिस इज द बेसिकली सेक्शन 123 सेज। सेक्शन जो 23 है सिंपल सी बात कर रहा है, व्हेयर सेवरल कोर्ट्स हैविंग जुरिस्डिक्शन आर सबॉर्डिनेट टू द सेम एपीलेंट कोर्ट। यहाँ पे एपीलेंट कोर्ट कौन सी है, ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे ए और बी दो कोर्ट्स हैं, यहाँ पे एपीलेंट कोर्ट कौन है, डीसी मींस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेशन जज, वो एपीलेंट कोर्ट है। यहाँ पे अपील आती है तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन बुक करोगे, वो आपको आपकी जो एप्लीकेशन है रिगार्डिंग ट्रांसफर सूट वो आपकी एप्लीकेशन को सुनवाई करेंगे, हर्ड करेंगे, दोनों पार्टी को बेसिकली सुनने के बाद वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। सेकंड, अगर दो कोर्ट्स अगर सबॉर्डिनेट है डिफरेंट एपीलेंट कोर्ट, ठीक है, वो एपीलेंट कोर्ट जो हाई कोर्ट के अंदर आती है, लाइक एपीलेंट कोर्ट कौन सी है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ये भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है, ये दोनों एपीलेंट कोर्ट डिफरेंट कोर्ट्स हैं। लॉ कहता है कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उनकी अगर एक हाई कोर्ट है जो दोनों हाई कोर्ट जो एक हाई कोर्ट के अंदर दोनों कोर्ट सबॉर्डिनेट है तो आप एप्लीकेशन हाई कोर्ट में लगाओगे। तो यहाँ पे तीसरा एग्जांपल है ये है। तो ये सेक्शन 23 है, इसको आप ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। टेक्निकलिटी कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि बेसिकली उनकी अथॉरिटी कौन सी है, हायर अथॉरिटी कौन सी है, वहीं पे आप एप्लीकेशन मूव करोगे, ठीक है जी। नाउ सेक्शन 24 इज कंसर्न, सेक्शन 24 इज वेरी इंपॉर्टेंट, जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर एंड विड्रॉल वर्ड यूज किया वहां पे। जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर एंड विड्रॉल, आप ट्रांसफर भी कर सकते हो और विड्रॉल भी कर सकते हो, एक कोर्ट से विड्रॉ करके दूसरी कोर्ट में खुद सू मोटो आपने कर दिया, तो डेफिनेटली अभी ट्रांसफर की बात होगी। जब भी ट्रांसफर की बात होगी, मतलब एक कोर्ट से आप दूसरी कोर्ट ट्रांसफर कर रहे हो, तो विड्रॉल वाला तो साथ में हम लोग पढ़ेंगे ना साथ में, क्योंकि आप विड्रॉल कर रहे हो दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर कर रहे हो, तो विड्रॉल एंड ट्रांसफर दोनों को एक साथ ही हम लोग पढ़ेंगे। सो सेक्शन 24 क्या कह रहा है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज एंड आफ्टर नोटिस टू द पार्टीज, अगर ए ने एप्लीकेशन लगाई है बी के केस कि ये जो केस है वो वहां पे शिफ्ट कर किया जाए, तो लॉ जो है कहता है कि बी पार्टी को भी आप नोटिस करो, दोनों पार्टी को सुनो, एंड आफ्टर हियरिंग सच ऑफ देम एज डिजायर टू बी हर्ड एंड इट्स ऑन मोशन विदाउट सच नोटिस द हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एट एनी स्टेज ट्रांसफर द सूट। लॉ कहता है कि हाई कोर्ट के पास और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास नंबर ऑफ काफी वाइड पावर दी गई है सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग, वो सुमोटो भी एक्शन ले सकते हैं, लाइक पार्टी का जाना जरूरी नहीं है कि पार्टी एप्लीकेशन मूव करेगी तभी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट वो एक्शन में आएंगी। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लग रहा है कि कोई जज जो बायस कर रहा है, अगर उन्होंने फाइल देख के लग रहा है उसको कि वाकई ये लोग बायस कर रहे हैं, तो जो सुमोटो एक्शन भी ले सकती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट, वो खुद अपनी जो पावर है वो यूज करके वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वो अपनी पावर यूज करके दोनों पार्टियों को पहले सुनेंगे, दोनों पार्टियों को सुनने के बाद अगर उनको लगा कि सचमुच यहाँ पे बेसिकली जो बायस है यहाँ पे या इनको बेसिकली जो जस्टिस नहीं मिलेगा, फेयर ट्रायल नहीं चलेगा, तो लॉ कहता है कि आप ट्रांसफर कर दो। तो यहाँ पे हाईकोर्ट जो दूसरी हाईकोर्ट है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो एक जगह से ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरी जगह, ठीक है जी। तो ए पॉइंट है ट्रांसफर एंड सूट अपील एंड अदर प्रोसीडिंग, तीन वर्ड यूज किए हैं। सूट, अपील एंड द अदर प्रोसीडिंग, जितनी भी अदर प्रोसीडिंग्स हैं वो यहां पे ओपनली फॉलो कर देंगी। तो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ट्रांसफर कर सकते हैं एक सूट को, एक अपील को, या कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है जो पेंडिंग है, ठीक है, इट फॉर ट्रायल एंड डिस्पोजल टू एनी कोर्ट
subordinate to it, competent to try, dispose of it. Law कहता है कि अगर district court transfer करेगी तो उस court में transfer करेगी जो court competent है, जो उस subject matter के regarding competent है और उसको dispose of कर सकती है, adjudicate कर सकती है. आप उस court में तो transfer कर नहीं सकते जो competent court ही नहीं है, right? तो high court के पास भी same power है, वो भी उसी court में high court एक district से दूसरे district कर सकता है, right? लेकिन वो भी तभी करेगा जब उनको लगता है कि वो court competent है. तो जो कोर्ट कॉम्पिटेंट होगी आप वहीं पे आप बेसिकली आप ट्रांसफर के ऑर्डर सुना सकते हो. बी क्लॉज क्या कह रही है सेक्शन 24 की, दैट विड्रॉ मींस पहले तो हम ट्रांसफर कर रहे हैं एक कोर्ट से, किसी भी कोर्ट को आप ट्रांसफर कर सकते हो. दूसरा पॉइंट लिखा है विड्रॉ, विड्रॉ द सूट अपील एंड अदर प्रोसीडिंग, किसी भी कोर्ट से आप विड्रॉ कर सकते हो और खुद ट्राई कर सकते हो और खुद ही डिस्पोज ऑफ कर सकते हो, या ट्रांसफर कर सकते हो सेम आपके सबॉर्डिनेट कोर्ट को जो कॉम्पिटेंट है, ठीक है जी. रीट्रांसफर द सेम फॉर ट्रायल एंड डिस्पोजल ऑफ कोर्ट फ्रॉम विच इट वॉज विड्रॉन, आपने ए कोर्ट से केस उठाया और बी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया, तो ए कोर्ट से आपने विड्रॉ किया, बी कोर्ट में ट्रांसफर हो गया. अब कोर्ट को फील लगता है कि बी कोर्ट भी इंटरेस्ट नहीं ले रही, वहां से भी आप ट्रांसफर कर सकते हो, रीट्रांसफर कर सकते हो दोबारा इस कोर्ट में या किसी और कोर्ट में. तो ये भी प्रोविजन आपके पास है. सेक्शन 24 की सेकंड क्लॉज क्या कहती है, वेयर एनी सूट प्रोसीडिंग्स हैज बीन ट्रांसफर्ड, जो सूट अपील या अदर प्रोसीडिंग ट्रांसफर हो गई है या विड्रॉ हो गई है, वो सूट वो अपील वो अदर प्रोसीडिंग जो दूसरी कोर्ट जहां की जिस कोर्ट को आपने दी है वो किस स्टेज से स्टार्ट करेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है जी. अगर सपोज एक कोर्ट में जो सूट था वहां पर सिर्फ जो बी जो विटनेस है सिर्फ वही एग्जामिन हुआ है, सी डी ई जो अभी पढ़े हैं. लॉ कहता है कि ए कोर्ट में सूट है, वह उस सूट में बी को विटनेस को एग्जामिन कर लिया, बी की गवाही कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी तीन पार्टी पढ़ी हैं सी डी और ई, तीन विटनेस अभी पढ़े हैं. अगर इस केस से ए कोर्ट से हम लोग दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करते हैं तो ये वाली कोर्ट जो है वो किस स्टेज से ट्रायल स्टार्ट करेगी. लॉ कहता है वो इस स्टेज से स्टार्ट करेगी, ये जो कोर्ट है वो ये जो विटनेस ऑलरेडी एग्जामिन हो चुका है उसको एडमिट करके दूसरे विटनेस जो है जो रिमेनिंग विटनेस है उनको एग्जामिन करेगी. अगर उनको लगता है तो वो इसको दोबारा भी एग्जामिन कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है. अगर आपने सूट अपील और अदर प्रोसीडिंग ट्रांसफर कर दी दूसरी कोर्ट में, जो कोर्ट अब न्यूली ट्राई करेगा तो वो उसी स्टेज से ट्रायल कर सकता है जहां से ट्रांसफर किया आपको, जहां पिछली डेट से वो दोबारा ऑर्डर देगा कि नहीं मुझे ये विटनेस दोबारा एग्जामिन करवाना है, मुझे लगता है कि यहां पे गलत एग्जामिनेशन हुई है. क्योंकि बेसिकली पर्पस क्या है, जस्टिस देना. अगर उनको लगता है कि जो नीचे वाली कोर्ट है जहां से विड्रॉ किया गया सूट उसने जानबूझ के गलत यहां पे एग्जामिन किया है, तो लॉ कहता है कि आपके पास पावर है, आपको दोबारा उसको री एग्जामिन कर लो, उसको दोबारा समन इश्यू कर दो. तो ये उनके पावर्स अनलिमिटेड पावर्स है, ठीक है जी. अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है क्या, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो एडिशनल जो है कोर्ट और असिस्टेंट जज उसमें वो दोनों शामिल है, ठीक है जी. सो एडिशनल जज असिस्टेंट सेशन जज है वो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फॉल करते हैं. लाइक जैसे हम लोग मैजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं, सीनियर डिविजन मैजिस्ट्रेट और यूनियन डिविजन मैजिस्ट्रेट, उनका जो हेड कौन होता है, सीजीएम होता है, राइट. और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है मतलब सेशन जज है उनके उनके रिगार्डिंग एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज दोनों उनके अंदर ही आते हैं. तो वो एक जो है बेसिकली जो सेशन जज है वो ट्रांसफर कर सकता है किसी एक एडिशनल सेशन जज से दूसरे जज, वो भी कर सकता है क्योंकि वो उनके सबॉर्डिनेट है ना, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, राइट. जो फोर्थ क्लॉज है सेक्शन 26 की वो कह रही है द कोर्ट ट्राइंग एनी सूट ट्रांसफर्ड और विड्रॉ अंडर दिस सेक्शन फ्रॉम अ स्मॉल कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस सूट बी डीम्ड टू बी अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस. लॉ कहता है कि अगर आपने स्मॉल कॉजेस कोर्ट है जो जो 1000 से ज्यादा जो डिसाइड नहीं कर सकती किसी मैटर को, अगर उस कोर्ट से आपने मैटर ट्रांसफर करना है दूसरी कोर्ट में, तो जिस कोर्ट में अभी आपने करना है उसको हम लोग स्मॉल कॉजेस कोर्ट ही हम लोग डीम्ड उनको मान के चलेंगे, राइट. तो ये इंपॉर्टेंट है. अ सूट और प्रोसीडिंग में भी ट्रांसफर अंडर दिस सेशन फ्रॉम अ कोर्ट विच हैज नो ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई इट, तो अ सूट और प्रोसीडिंग में भी ट्रांसफर अंडर दिस सेशन फ्रॉम अ कोर्ट which has no jurisdiction to try. Law कहता है जहां पे आपने सूट फाइल किया
उस कोर्ट के पास तो पावर नहीं थी उसको ट्राई करने की। लॉ कहता है वहां से भी विड्रॉ करके हम लोग दूसरी कोर्ट में जो है ट्रांसफर कर सकते हैं, वो सुमोटो भी कर सकती है जो कोर्ट है, राइट। तो ये था नॉर्मल फंडा। अब सेक्शन 25 क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की पावर क्या है, वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब यहां पे केस हुआ था एक सेक्शन 24 के अंदर, कलकत्ता हाईकोर्ट का डिसीजन है 2009 में, दीपिका अग्रवाल एंड ऋषि अग्रवाल का। कोर्ट ने हेल्ड किया मेयर इनक्रिमिनेंस ऑफ वाइफ, मेयर इनक्रिमिनेंस ऑफ वाइफ टू अटेंड द कोर्ट इज नॉट अ ग्राउंड टू ट्रांसफर अ मैट्रिमोनियल सूट टू अनदर कोर्ट। लॉ कहता है कि अगर मैट्रिमोनियल सूट फाइल कर दिया किसी ने, राइट, हस्बैंड ने सूट फाइल कर दिया मैट्रिमोनियल, वाइफ कहती है मुझे तो इनकन्वीनियंस पैदा हो रही है, मैं तो आ नहीं सकती। लॉ कहता है ये ग्राउंड नहीं है, ये सिर्फ मेयर इनकन्वीनियंस, वर्ड यहां पे लिखा है कि मेयर इनकन्वीनियंस ऑफ वाइफ टू अटेंड द कोर्ट इज नॉट अ ग्राउंड टू ट्रांसफर अ मैट्रिमोनियल सूट टू अनदर सूट। लॉ कहता है यहां पे सिर्फ वाइफ को थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हो रही है, मेयर इनकन्वीनियंस टू द वाइफ है, बाकियों को नहीं है, विटनेस को नहीं है जो एग्जामिन होने हैं। वो कहता है ये कोर्ट हमारे लिए सूटेबल कोर्ट है, यहां पे इसलिए हम लोग आ सकते हैं। अगर कहीं और ट्रांसफर कर दिया तो वाइफ तो ठीक है, वो तो उनको तो कन्वीनियंस हो जाएगा, अब दूसरों को इनकन्वीनियंस पैदा हो जाएगा। तो लॉ कहता है कि सिर्फ वाइफ को इनकन्वीनियंस पैदा हो रहा है तो ये प्रॉपर ग्राउंड नहीं है, ठीक है। अगर वाइफ को राइट दिया है सेक्शन 19 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहां पे वाइफ को काफी ग्राउंड्स दिए हुए हैं, लाइक सेक्शन 19 के पास, सेक्शन 19 जो हिंदू मैरिज है वहां पे ऑप्शंस है वाइफ के पास, आप जहां पे मैरिज हुई है वहां पे भी सूट फाइल कर सकते हो, जहां पे आप दोनों इकट्ठे रिजाइड कर रहे थे लास्टली रिजाइड रहे वहां पे भी सूट फाइल कर सकते हो, जहां पे मैरिज सॉलमनाइज्ड हुई है वहां पे भी सूट फाइल कर सकते हो, और जहां पे वाइफ रिजाइड कर रही है वहां पे भी वो सूट फाइल कर सकती है। लॉ अगर आपके पास पावर है तो वाई नॉट हस्बैंड, अगर हस्बैंड ने सूट फाइल किया है जहां पे मैरिज सॉलमनाइज्ड हुई थी, जहां पे आप लास्ट रिजाइड इकट्ठे हुए हो, अगर वहां पे सूट फाइल कर दे तो वो तो एज पर सेक्शन 19 जुरिस्डिक्शन सही है ना उसकी, तो आपको इनकन्वीनियंस पैदा हो रही है उस, वो कोई ग्राउंड नहीं है कि हम लोग ट्रांसफर कर देंगे एक केस को दूसरी कोर्ट में। हमने पार्टी का भी देखना है, वो हम लोग अभी करेंगे बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस इनकन्वीनियंस, वो हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। सेक्शन 25 क्या कह रहा है, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर सूट्स। अब सुप्रीम कोर्ट की पावर्स क्या है, राइट, सेक्शन 25 में सुप्रीम कोर्ट की पावर दी हुई है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ए पार्टी एंड आफ्टर नोटिस टू द पार्टीज। अगर कोई एप्लीकेशन, अगर कोई अप्रोच कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में, एप्लीकेशन मूव कर रहा है कि भाई हमारे पास प्रॉब्लम है, हमें हमारा सूट जो ट्रांसफर किया जाए दूसरी कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट दोनों पार्टी को नोटिस देती है, जो भी इंटरेस्टेड पार्टी को नोटिस देगी, एंड आफ्टर हियरिंग सच ऑफ देम, उन सबको सुनने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि यहां पे वाकई ट्रांसफर करना बनता है, तो एट एनी स्टेज इफ सेटिस्फाइड, अगर वो सेटिस्फाइड हो गई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इन द एंड ऑफ जस्टिस की ये जरूरी है यहां पे जस्टिस के लिए, तो वो सूट, वो अपील, वो अदर प्रोसीडिंग ट्रांसफर कर सकती है एक हाईकोर्ट से लेके दूसरी हाईकोर्ट भी ट्रांसफर कर सकती है। अगर कोई किसी कोर्ट में भी पड़ा हो, लाइक सपोज बठिंडा में है, बठिंडा में जो बठिंडा की हाईकोर्ट है वो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो बठिंडा की कोर्ट से लेके जैसलमेर भी फेंक सकती है केस, जाओ आप ट्रांसफर हो गया, आप राजस्थान में जाओ ट्रायल करो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो एक केस है, हालांकि मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि वो काफी इफेक्ट करेगा, है ना, इसे जस्ट उसका मैं इफेक्ट बता रहा हूँ। यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था, राइट, और जो इंसिडेंट हुआ था वो अथॉरिटी के अंडर हुआ था, मर्डर हो गया था किसी का, अथॉरिटी वहां पे मौजूद थी, जो हायर अथॉरिटी थी वहां पे थी, पुलिस वालों ने फायर कर दिया, एक पर्सन की डेथ हो गई, तो दूसरे जो थे उन्होंने, पार्टी ने जो था वो जो हाईकोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी कि यहाँ पे इस केस को जो है दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाए दूसरे स्टेट में। अब वो हाईकोर्ट तो बेसिकली ज्यादा हाईकोर्ट में मूव कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकते हो, तो वहां पे जो वो उन्होंने जस्टिफिकेशन दे दी, प्रॉपर जस्टिफाइड कर दिया कि बेसिकली वो अथॉरिटी है, वो हायर अथॉरिटी है,
तो वो डेफिनेटली विटनेस को खराब करेगी। यहां पे जजेस को वो जानते हैं तो वो बायस है, तो डेफिनेटली उनकी कमीशन हो नहीं सकती। तो हाई कोर्ट ने बेसिकली ये देखा कि वाकई में सच में ये बात सही है कि वो हायर अथॉरिटी है, उनकी जो पावर इतनी है कि वो दूसरी बेसिकली पार्टी को वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जो विटनेस है उनको टेम्पर कर सकते हैं, तो इसलिए वहां पे उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम था कि वो ट्रांसफर जो था उन्होंने दूसरी स्टेट के लिए मांगा था, तो वो हाईकोर्ट पास कोई पावर नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पंजाब से हरियाणा में शिफ्ट कर दिया केस। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन सॉरी यहां पे सुप्रीम कोर्ट के पास हाईकोर्ट था, हाईकोर्ट क्योंकि पंजाब में हरियाणा हाईकोर्ट है, तो वो हाईकोर्ट हरियाणा की भी है और पंजाब की भी है, तो उन्होंने पंजाब से लेके जो केस था वो हाईकोर्ट जो में जो उनका जो हरियाणा की हाई जो कोर्ट थी सबॉर्डिनेट कोर्ट वहां पे ट्रांसफर कर दिया और वहां पे कन्विक्शन हो गई थी उस पर्सन। तो पंजाब में हो सकता उसकी पावर थी लेकिन हरियाणा में पावर नहीं है। तो फॉर द एंड ऑफ जस्टिस अगर कोर्ट को लगता है कि यहां पे इस केस को दूसरी स्टेट में ट्रांसफर करना हाईकोर्ट को लगता है तो वो कर सकती है फॉर द एंड ऑफ जस्टिस। तो ये सेक्शन 25 सुप्रीम कोर्ट के पास भी सेम पावर्स है। ठीक है, अब जहां पे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप एप्लीकेशन मूव करोगे सुप्रीम कोर्ट में आपको एक एफिडेविट साथ में अटैच करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। लॉ कहता है सेक्शन 25 की सेकंड क्लॉज कह रही है कि एवरी एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड बाय मोशन विच शैल बी सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट। लॉ कहता है कि जब भी आप एप्लीकेशन मूव करोगे आप अपना एफिडेविट साथ में लेके चलो, उसमें आप एक्नॉलेज करो सब कुछ, आपके जो पॉइंट्स है वो वहां पे डालो, तो उसमें आप वेरिफिकेशन लिखो, वेरीफाई करो उस कंटेंट को, तो वो एफिडेविट आपका साथ में अटैच होगा एप्लीकेशन के साथ। थर्ड क्लॉज कहती है सेक्शन 25 की द कोर्ट टू विच द सूट अपील और अदर प्रोसीडिंग इज ट्रांसफर्ड। जहां पे एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में हमने ट्रांसफर कर दिया तो दूसरी जहां पे हमने ट्रांसफर किया है वो कोर्ट उसी स्टेज से कंटिन्यू करेगी, जहां अगर उसको लगता है कि दोबारा से एग्जामिन करवाना तो वो दोबारा भी एग्जामिन कर सकती है। ठीक है, उनके पास पावर्स है। फोर्थ क्लोज, अगर कोर्ट डिसमिस कर रही है एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट कि नहीं ट्रांसफर नहीं होगा, डिसमिसिंग कर रही है, इन डिसमिसिंग एनी एप्लीकेशन टू दिस सेशन द सुप्रीम कोर्ट में इफ इट्स ओपिनियन दैट द एप्लीकेशन वॉज फ्रिवोलस वेक्शसिस, अगर कोर्ट को लगता है कि ये जो पर्सन है जो एप्लीकेंट है वो जानबूझ के टाइम खराब कर रहा है कोर्ट का और गलत बयानबाजी कर रहा है, एप्लीकेशन में जो फैक्ट है वो सही नहीं है, जानबूझ के वो ये चाहता है कि इस कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर किया है, तो लॉ उसको पेनल्टी भी लगा सकता है अप टू 2000 रुपीज, 2000 तक पेनल्टी भी हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो यहां पे केस हुआ था सेक्शन 25 में, ये केस हमारे काफी इंपॉर्टेंट है, अनीता खुशवाहा वर्सेस पुष्प सुदाम का केस है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने डिसाइड किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने डिसाइड किया है। दूसरा 2009 में एक जसमीत कौर वर्सेस इशियाक भट्ट का केस था, ये दोनों केस लेटेस्ट है हमारे, काफी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अब यहां पर क्या हुआ, इस केस में हेल्ड किया गया सुप्रीम कोर्ट नॉट अ पावरलेस कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये पावर बेसिकली बात करें तो बहुत पावर है, वो पावरलेस कोर्ट नहीं है कि यहां पे तो उनकी पावर नहीं है। हेल्ड किया गया सुप्रीम कोर्ट नॉट पावरलेस टू ट्रांसफर पटिशन फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू अनदर स्टेट एंड वाइस वर्सा। यहां पे जब ये डिसीजन आया था तो उस वक्त हम लोग बात करें तो जो जम्मू कश्मीर का जो थ्री आर्टिकल 70 था, जो 370 आर्टिकल था वो स्टैंड कर रहा था, अब तो वो खत्म हो गया, अब तो जो जम्मू कश्मीर है वो तो स्टेट जो था, पहले स्टेट था वो यूटी बन गया, तो अब तो उस पर तो अब सीपीसी अप्लाई होगा, ये पहले की बात है जब बेसिकली वो स्टेट था, उनका अलग संविधान था, 370 में उनका स्पेशल स्टेटस था,
तब ये डिसीजन हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के पास स्टिल इतनी पावर है कि वो जम्मू कश्मीर से चाहे तो केस को उठा के दूसरी स्टेट में ट्रांसफर कर सकते हैं और किसी भी स्टेट से ट्रांसफर करके जम्मू कश्मीर में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सुप्रीम की अनलिमिटेड पावर थी। तो इस केस में ये हेल्ड किया गया था। ठीक है जी। तो जो लास्ट क्लॉज है हमारी फिफ्थ क्लॉज सेक्शन 25 की, द लॉ एप्लीकेबल टू एनी सूट अपील अदर प्रोसीडिंग ट्रांसफर्ड अंडर दिस सेशन शैल बी द लॉ विद द कोड इन विच द सूट अपील अदर प्रोसीडिंग वॉज ओरिजिनली सॉट टू हैव बीन अप्लाइड टू सच सूट और अदर प्रोसीडिंग। लॉ कहते हैं कि हम लॉ अप्लाई की बात कर रहे हैं, लॉ कौन सा अप्लाई होगा। लॉ कहते हैं जो जब आपने सूट फाइल किया वहां पे जो लॉ अप्लाई हो रहा है वही लॉ अप्लाई होगा भाई। जहां पे आप जहां पे मर्जी आप ट्रांसफर कर दो। लाइक पंजाब का स्पेशल जो था स्पेशल लॉ था पंजाब का, आपने यहां से उठा के ट्रांसफर कर दिया हरियाणा हाईकोर्ट में, वहां पर लॉ ही नहीं है। वो लॉ बेसिकली कह रहा है सेक्शन 25 की जो लॉ पंजाब में अप्लाई होना था वही वहां पर पढ़ा जाएगा। ठीक है जी। तो ऐसे हमारे स्पेशल लोकल लॉज काफी होते हैं हमारे पंजाब में। तो अगर वो लोकल लॉज है तो डेफिनेटली अगर वो लॉ हरियाणा में नहीं है लेकिन यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया हरियाणा कोर्ट में ये केस, तो जो पंजाब का जो लोकल है वही साथ में चलेगा, वही लॉ एप्लीकेबल होगा। हरियाणा को तो लॉ एप्लीकेबल होगा ही नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है अगर लोकल लॉ की बात करें तो। ठीक है जी। तो ये अब दूसरी बात ये भी इंपॉर्टेंट है अगर स्टेट की अमेंडमेंट्स होती रहती है, अगर पंजाब से उठाकर केस राजस्थान में ट्रांसफर कर दिया जहां पर लॉ ही अमेंड हो चुका है, वो उनके स्टेट ने लॉ अमेंड कर दिया, तो लॉ कहता है कि जो पंजाब में लॉ था वही एप्लीकेबल होगा। जहां पे ट्रांसफर मर्जी करो, ट्रांसफर का मतलब है सिर्फ पार्टी को कन्वीनियंस जस्टिस के लिए फाइट करना। तो ये इंपॉर्टेंट है। जो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस की बात कर रहा हूं मैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है जी। तो उसपे मैं एक सेपरेट जो है वो वीडियो डालूंगा, क्योंकि ये जो ट्रांसफर ऑफ सूट है ना, ये सारा जो स्टैंड कर रहा है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस पे ऊपर स्टैंड कर रहा है। अगर बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस की अगर आप वीडियो नहीं देखोगे तो वो आपको समझ ही नहीं लगेगा क्या जो प्रिंसिपल है, जिस प्रिंसिपल के बेसिस पे हम लोग एक जो सूट है वो ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरी कोर्ट में, वो बेसिकली प्रिंसिपल्स है क्या हमारे। तो नंबर ऑफ सूट्स है हमारे लिए। ठीक है जी। वो जो 10 मिनट की जो वीडियो मैं फिर अपलोड करूंगा बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस के रिगार्डिंग, तो टिल देन आप इसको एंजॉय कर लीजिए। ठीक है जी। सेक्शन 25 तक मैंने कवर कर दिया है। That it relates to the issue, जो basically जो transfer of suit के रिगार्डिंग हम लोग डील कर रहे हैं। तो दोनों इकट्ठे हैं। ठीक है जी। ये जो बेसिकली ये बेसिकली जसमीत कौर इशाक भट्ट का जो केस है 2019 और ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो अनिता खुशवाहा पुषप सुदान का ये पहले वाला केस है, वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है, उसको दोबारा फॉलो किया है कि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट पावरलेस नहीं है, ये जहां मर्जी ट्रांसफर कर सकती है, जम्मू कश्मीर में भी ट्रांसफर कर सकती हैं। और जब एक केस हुआ था रेप, जो रेप केस था वो छोटी बच्ची की डेथ हो गई थी जम्मू कश्मीर में, राइट, तो वहां पे जो केस था अमृतसर में ट्रांसफर, गुरदासपुर में ट्रांसफर कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंस है कि ट्रांसफर करने की पावर अनलिमिटेड पावर्स है, एंडलेस पावर्स है सुप्रीम कोर्ट की। तो आप इसको सिर्फ प्लीज कवर कर लो, इनकेस अगर प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू सर। सर